हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSSP TGT नेचुरल साइंस की, जिसमें आप बायोलॉजी का सेक्शन देख रहे हैं। इससे पहले के सेशंस अपलोडेड हैं, अगर नहीं देखे हैं चैनल पर तो देख लीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं स्टोमक के बारे में। तो स्टोमक में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टोमक से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर रहे हैं और ये वन लीनियर फॉर्म में ही हम डिस्कस करेंगे। स्टोमक में क्या होता है, जो फूड है वो 4 to 5 hours तक रहता है, और जो फूड स्टोमक में रहता है उसे क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। स्टोमक का शेप आपसे पूछा जा सकता है, जे शेप्ड होता है। स्टोमक में जो ग्लैंड होती है उसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और वो कौन सा जूस सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंतर्गत ऑक्सेंटिक या फिर पैराइटल सेल, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, पेप्टिक या फिर चीप सेल और म्यूकस सेल पाई जाती है। अब इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उनका क्या फंक्शन है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऑक्सेंटिक या फिर पैराइटल सेल क्या सीक्रेट करती है, HCl सीक्रेट करती है। पेप्टिक और चीप सेल क्या सीक्रेट करती है, पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है। और म्यूकस सेल क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाएगा, HCl पाया जाएगा, म्यूकस पाया जाएगा और पेप्सिनोजन पाया जाएगा। इस तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, फिर आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि गैस्ट्रिक जूस में पाया क्या जाता है। फिर उसके बाद इनके फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HCl का क्या फंक्शन है कि जो फूड हम लेते हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया है उनको किल करने का काम HCl का है। ये इसकी जो pH है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। तो pH 1.8 है, आप सबको पता है लेस देन 7 एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये एसिडिक है। अब ये एसिड अगर पेट में रिलीज हो रहा है तो आप सभी ने सुना होगा एसिडिटी। तो अब एसिडिटी जब हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, इनो, क्योंकि वो बेस रहता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन हर बार अगर ऐसे इनो तो नहीं ले सकते, क्योंकि एसिड तो है, तो उस एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, दैट इज म्यूकस सेल, द सीक्रेट म्यूकस। ठीक है, तो जो स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है, मतलब जो अंदर की सतह होती है, उसको एसिडिक इफेक्ट से या एसिड से कौन बचाता है, तो म्यूकस। ठीक, याद रखिएगा HCl से आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, और चूंकि एसिडिक है तो ये पेप्सिन जो एंजाइम है ना, ये एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, और पेप्सिन को क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, क्योंकि वो एक्टिव किस मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में। तो जब पेप्सिन एक्टिवेट होगा वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा प्रोटीओजेस एंड पेप्टोन्स में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कि जो प्रोटीन डाइजेशन है वो कहां से शुरू होता है, तो आप माउथ नहीं कहेंगे, आप स्टोमक कहेंगे, क्योंकि माउथ स्टार्च, ठीक, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, बट स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। उस प्रोटीन के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, पेप्सिन हेल्प करता है, और इस पेप्सिन को एक्टिवेट कौन करता है, तो HCl करता है, क्योंकि पेप्सिन कौन से मीडियम में एक्टिवेट होता है, एसिडिक मीडियम में। देखिए इस ये जो सीरीज एक बार हो जाएगी उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो केवल वन लाइनर फॉर्म में ही मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेनिन, जो कि केवल बच्चों में ही पाया जाता है, और प्रोटीन मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है। इन्फेंट्स के स्टोमक में क्या पाया जाता है, रेनिन। ठीक, तो इस तरीके से ये सेशन स्टोमक का कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा सेशन पसंद आया हो, पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करें, यहाँ जहां पर भी ये साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर ये सेशन आपको हेल्प करेगा। MCQs अगर आप देखना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। Thanks for watching this video.